साध्वी सेवादार की गला दबाकर हत्या से सनसनी। साध्वी के दुपट्टे से गला दबाकर निर्मम तरीके से की गई हत्या। माता रानी के चामुंड मंदिर पर करीब 10 वर्ष से सेवा कर रही थी साध्वी। साध्वी की हत्या कर हत्या आरोपी मोबाइल व बैंक की किताब लेकर फरार। लूट के बाद की गई हत्या पुलिस जांच में जुटी। मंदिर के ऊपर बने कमरे में रहती थी साध्वी। बुलंदशहर के बुगरासी चौकी क्षेत्र के गाँव बुकलाना की घटना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमेश शर्मा है। जी शर्मा जी, जो मंदिर के ऊपर रहती थी, उनका क्या घटना हुआ? जब मैं अपने घर से आया, मेरे को बताया गया कि आपकी चाची खत्म हो गई है, तो मैं अपने घर से चला। घर आने के बाद मैंने यहाँ पर देखा तो चाची का कपड़ा हटा कर देखा तो चाची के सिर पर चोट के निशान है, या कान पर चोट के निशान है और मुँह पर निशान है, गले पर निशान लगे हुए हैं। तो मन की भाई इसकी इनकी चाची की किसी ने हत्या करी है। तो यहाँ से जो ले गए, जैसे एक तो मोबाइल नहीं है, बैंक की किताब नहीं है, 4-5 हज़ार रुपये हैं, उन्हें भी वो ले गए। अच्छा, जो मंदिर पर रहती थी क्या करती थी? ये मंदिर यहाँ पर चावड़ पर रहती थी, 10 वर्ष से चावड़ की ही सेवा करती थी। अब चाहे उसको पुजारी कह लो, चाहे मंदिर चावड़ की सेवा करना कह लो। किसी के रंजिश थी या किसी ना रंजिश किसी में गांव में किसी से नहीं, गांव बस्ती सब उनको सहयोग करती थी, गांव में किसी से कोई रंजिश नहीं। लास्ट टाइम किससे बात करी थी, फ़ोन पर बात हो रही थी? लास्ट टाइम उन्होंने बहन जी से ही बात करी थी। अच्छा, परसों बहन जी मिलकर भी गई उनसे। मैम, बुकरासी चौकी क्षेत्र के गाँव बुकलाना में एक महिला की मृत्यु हुई है और मंदिर पर 10 वर्ष से सेवा कर रही थी, क्या मामला, किस प्रकार की अब तक कार्रवाई है? देखिए, ऐसा है कि बीती रात धर्मवती जो महिला का नाम है, वो चामुंडा के ऊपर एक बने कमरे में रहा करती थी। रात 9 बजे तक इनको लोगों ने देखा है। सुबह जो सबसे पहले यहाँ पर आई महिला, उन्होंने देखा कि वो मृत अवस्था में पड़ी हुई है। जायरा जो चोटे हैं उसे लग रहा है कि उन्हें किसी ने मारा है। कार्रवाई पंचायत में PM ने कार्रवाई करा के आगे कार्रवाई की।